हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। इस जो यहाँ पे कुछ कुछ नंबर दिया हुआ है उसमें से कौन सा को प्राइम है ये हम लोग को बताना है। तो को प्राइम क्या होता है, हम लोगों ने हमने आपको बता रखा है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो नंबर है जिसमें जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम कहलाता है और जिसका HCF 1 ना आए वो को प्राइम नहीं है। तो हम लोग को इसमें यही चेक करना है कि इन सब में से कौन को प्राइम है, मतलब जिसका HCF 1 आ गया वो को प्राइम होगा, जिसका नहीं आया वो को प्राइम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ए नंबर में क्या दिया, 7 और 8। 7 तो हम लोग पहले HCF निकालते हैं, हम लोग को सबसे छोटा फैक्टर से करना होता है, लेकिन यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं, 7 तो किसी के टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट 7 के टेबल में आता है। तो 7 अंदर 7 और 8 तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 7 का हम लोग का क्या आ गया, 7 into 1 और 8 का 2 into 2 into 1। तो कॉमन हम लोग का क्या आ रहा है, 1। HCF क्या आया हम लोग का, 1 आया। तो क्या हुआ, ए नंबर क्या है, हेंस द गिवन आर को प्राइम। इसका HCF 1 आया हम लोग का, इसलिए क्या है, 7 और 8 क्या है, को प्राइम है। तो हम लोग लिखिए हेंस द गिवन नंबर आर को प्राइम। चलिए बी नंबर देखते हैं आगे। बी नंबर में क्या है, 27 और 42। तो HCF निकालते हैं, 27 हम लोग को देखते हैं सबसे छोटा, 2 में तो आएगा नहीं लेकिन 3 में आता है, 3 से 3 के टेबल में कितने बार में आते हैं, 9 बार में, 3 के 3 बार में, 3 बन जा 3 और 42 तो 2 से डिवाइड होता है, कितने बार हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। 21 तो 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा, तो 3 से कितने बार में होगा, 7 बार में, तो 7 बन जा 7। अब चलिए इसको देखते हैं, पहले क्या है, 27 is equal to क्या हो गया, 3 into 3 into 3 into 1 और 42 is equal to 2 into 3 into 1। तो इसमें देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है हम लोग का, 1 और 3। इसमें हम लोग का HCF क्या आ गया, मतलब 3 into 1 3, मतलब क्या हुआ, इसमें HCF हम लोग का आ रहा है 3, मतलब ये क्या है, को प्राइम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस The given numbers are not co-prime. अब तीसरा देखते हैं। A number क्या था, co-prime था, B number नहीं था। हम लोग को ऐसे चेक करना है, उसके बाद वहां पे लिख देना है। Yes or no? ए नंबर को प्राइम है, हम वाई से मतलब यस, बी नंबर नहीं है एंड मतलब नो। सी नंबर क्या है, 16 और 25। तो 16 तो 2 के टेबल में आता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 39 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1 और 39 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 13 इंटू 1। इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो HCF हम लोग का क्या हो गया, 1। तो ये सी नंबर क्या है, हम लोग का को प्राइम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस द गिवन नंबर्स आर को प्राइम। उसी तरह डी नंबर में भी हम लोग को देखना है। डी नंबर तो आसान है, आप लोग खुद से उसको बनाइएगा, हम आपको ई नंबर बताते हैं।
सॉरी, हमने आपको सी नंबर में गलती कर दिया, यहाँ पे 39 नहीं होता है, 25 होता है सिक्स नंबर में। सी नंबर में आपको फिर से मैं बता देती हूँ, 16 और 25 का निकालना, मैंने 16 और 39 का निकाल दिया, तो फिर से हम बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2 और क्या है 25 है, 25 का 2 के टेबल में आएगा नहीं, 5 1 जा 5 हो गया, 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 दो हो गया, तो 16 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 into 1, 25 is equal to 5 into 5 into 1, फिर भी इसका HCF हम लोग का 1 ही आया, तो वो क्या है, ये क्या है, कोब्राइन है। डी नंबर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। हम ई नंबर बताते हैं आपको, ई नंबर में क्या है, 11 और 13, 11 का हम लोग का 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 बार में, 13 भी 13 से 1 बार में, तो 11 का हम लोग क्या आ गया, 11 इंटू 1 और 13 इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 इंटू 1, इसका HCF हम लोग का 1 आ रहा है, तो मतलब क्या है, 11 और 13 क्या है, कोप्राइम है। तो अभी आप लोग डी और एफ खुद से ट्राई करेंगे, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ई और एफ आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।